आज हम बात करने जा रहे हैं रिलैक्स योरसेल्फ, यानी कि खुद को शांत करना सीखिए। शांत दोस्तों, शांत तो आप तभी होंगे जब आप कंप्लीटली अपनी बॉडी से शांत हों। तो शांति के लिए आपको दो चीज़ें सोचनी होंगी, आपका तन भी शांत हो और आपका मन भी शांत हो। तन को शांत करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला तो आप खाना बहुत ही तला हुआ मसाले वाला ना खाएं। क्या होगा, एसिडिटी होगी, नींद बहुत आएगी, लेजीनेस आएगी और कहीं ना कहीं जो आपका तन है वो टेंशन की तरफ चला जाएगा और आप बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपके तन को शांत करने के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देना होगा। हम लोग जब ब्रीद करते हैं या जब हम लोग सांस लेते हैं तो ज़्यादातर चेस्ट से सांस लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक टेंशन आपको खींचता हुआ वहाँ लेके चला जाएगा। तो सांस लेते वक्त कॉन्शियसली डायफ्राम से, पेट से सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। 5 के 5 रिदम में, 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे, 5 के रिदम में सांस लीजिए। जब आप पेट से सांस लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका डायफ्राम रिलैक्स होने से आपकी चेस्ट रिलैक्स होगी, चेस्ट रिलैक्स होगी, मसल्स रिलैक्स होंगे और काफ़ी हद तक आपका पूरा जो शरीर है वो शांत होगा। तीसरी चीज़, अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि कभी ना कभी हफ्ते में एक बार आप अपने बॉडी को मसाज करें, क्योंकि हमारे मसल्स थक जाते हैं, हमारे पैर थक जाते हैं गर्म पानी में पैर डाल के बैठें। तो जब आप इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा बॉडी को मसाज देंगे, अच्छे से ब्रीथ करेंगे और साथ साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी अपने शरीर की करते रहेंगे, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, थोड़ी वॉक कर सकते हैं, शरीर चलता रहेगा, रिलैक्स रहेगा और आप बाहर से अपने फिजिकल फॉर्म में खुद को रिलैक्स कर पाएंगे। शरीर का अंदर रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है और मन आपका तभी रिलैक्स होगा जब आप नेगेटिव ना सोचें, जब आप पॉजिटिव सोचें। तो कोशिश ये कीजिए कि बुरे ख्यालों को मन में आने ना दें और जैसे ही आए आप उसका उल्टा जो है उसके बारे में सोचेंगे। दूसरी चीज़, मन को रिलैक्स करने के लिए आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हरदम खुश रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, ताकि उनके साथ रह के आप उनकी वाइब्रेशंस को ले सकें, उनके साथ रह के आप सीख सकें कि ज़िंदगी को इतना भारी नहीं मानते, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, आती भी हैं और चली भी जाती हैं। कोशिश आपने यही करनी है कि आपने उनके ऊपर से एक वेव की तरह निकल जाना है। ये याद रखना है, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगी। दूसरा, मन शांत करने के लिए आप कुछ और चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आप सोते वक्त गर्म पानी के साथ नहा के सोएं। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, बॉडी के ब्लड वेसल्स डायलेट होने से काफ़ी हद तक आप रिलैक्स फील करते हैं, शांत फील करते हैं। आपने महसूस भी किया होगा कि कई बार जब आप गर्म पानी से नहा के सोते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है। तो पर्पज़ ये है कि आपकी नींद अच्छी रहे तो गर्म पानी से नहा के सोएं। आप अपना मन किसी हॉबी की तरफ ले जाएं, आप कोई अच्छी हॉबी कल्टीवेट करें, जिससे कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाए। जैसे गार्डनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, जिसमें आप अपने मन के एक्सप्रेशंस को बाहर निकाल सकें। तो जब आपका तन भी रिलैक्स होगा, आपका मन भी रिलैक्स होगा, तो शांति आपसे कहीं दूर नहीं रहेगी दोस्तों, वो तो आएगी आएगी। तो कोशिश ये कीजिएगा दोस्तों, अभी से अगर आप टेंस फील कर रहे हैं तो रिलैक्स करना सीखिए।